फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी जो ये गाना मुझे मिला. सही बोलो तो मैं रिसेंटली सोच रही थी ये कि अगर मुझे ये गाना नहीं मिलता और ये गाना कोई और कोरियोग्राफ करता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन रियली वेरी डिसअपॉइंटेड और शायद मैं रो देती. सो आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज मेड फॉर मी बिकॉज मी बींग अ पंजाबी एंड मैरिड टू अ साउथ इंडियन आई थिंक आई एम द परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू शूट दिस सॉन्ग. मैं बोलती हूँ ये गाना तो मुझे ही करना चाहिए, मेरे पास ही आया. Well, I was very good in dancing from my school days, from my college days. I used to win a lot of awards for my school and college. तो उस ज़माने में बोलते थे कि इफ़ आर गुड इन डांसिंग यू शुड गेट इन टू एक्टिंग, और कोई सेकेंड ऑप्शन होता नहीं था. वॉज नो कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर दोज डेज. द ओनली कोरियोग्राफर वी न्यू वॉज सरोज खान, और उसके बाद अगर कोई फेमस हुआ दैट वॉज फराह खान. तो वेर आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम माई ब्रदर टोल्ड मी कि मुझे एक एक्टिंग का ऑफर आया एंड ही टोल्ड मी यू नो यू आर गुड इन टू डांसिंग, यू आर नॉट गुड इन टू एक्टिंग, तो तुम वो वाला क्यों नहीं पकड़ती हो जिसमें यू नो विच इज़ योर फोटे, विच आई ऑल्सो अंडरस्टूड वॉट ही सेड. एंड देन आई गॉट इन टू कोरियोग्राफी, क्योंकि डांस तो मतलब आप मुझे ऐसे कोई गाना चला देते थे ना, टू जस्ट क्रिएट स्टेप्स ऑन स्पॉट. सो आई डिड नॉट नो दैट दिस इज नोन एज कोरियोग्राफी. टर्म कोरियोग्राफी पता नहीं था हमको क्या होता है. सो आई थिंक मेरा जो फोर्स था, जो मेरा स्ट्रेंथ था, माई ब्रदर शोड इट टू मी. दैट्स हाउ आई जस्ट केम टू दिस. क्वेश्चन नो सी, दिलजीत के लिए बहुत ईजी था बिकॉज दिलजीत ने गाना गाया हुआ है एंड दिलजीत इज़ अ परफॉर्मर. प्रभास इज़ एन एक्टर. सो फ़र्क होता है क्योंकि एक तो दिलजीत ने गाना गाया है, वो स्टेज पर जाके यू नो परफॉर्म करता है गाने, तो इट वॉज नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर हिम. फॉर प्रभास इट वॉज न्यू क्योंकि वो एक तो पंजाबी गाने के अंदर है, यू नो सो गाना आधा तमिल आधा पंजाबी, आधा मलयालम आधा पंजाबी, आधा हिंदी आधा पंजाबी, आधा तेलुगु आधा पंजाबी, बिकॉज इट्स पैन इंडिया. सो फॉर प्रभास इट वॉज ऑब्वियसली टफ, बट आई ट्राइड नॉट टू मेक हिम अनकम्फर्टेबल कि वो इसमें जेल हो जाए. तो दैट्स व्हाट वी वर्क्ड ऑन. तो सबसे पहले तो जब गाना आया मेरे पास आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ दिल से दोसांझ एंड आई हर्ड द ऑडियो एंड इट लाइक इमिडिएटली किक्ड ऑफ एंड व्हाट कैन आई डू न्यू इन दिस सॉन्ग. क्योंकि बहुत सारे प्रमोशनल गाने आ रहे हैं, द बेस्ट कोरियोग्राफर्स आर डूइंग फैबुलस सॉन्ग, सब कुछ हो रहा है, तो इसका USP क्या है, इस गाने का USP क्या बन सकता है. So the first thought which came into my mind was seeing Prabhas as a Sardar, because Lungi dance, we have already seen Shah Rukh Khan doing Lungi dance, you know, to get a culmination of North and South together. So and also Telugu industry is not known for Lungi Lungi, it's more Tamil style. So I thought ki agar thoda hatke karna hai, thoda alag karna hai, so let's put Prabhas as a Sardar. And mujhe Diljit ka ek look bahut pasand hai jo Kochara mein usne परफॉर्म किया था. सो आई कन्विंस्ड प्रभास कि लेट्स डू दिस एंड यू विल लुक लाइक अ गॉड ऑन स्टेज. आई टोल्ड हिम एंड ही सेज आई एम नॉट श्योर एंड आई सेड यू विल डू इट बिकॉज इट्स इन यू नो वी कॉल हिम डार्लिंग देयर, एवरीबॉडी वी कॉल हिम डार्लिंग एंड इज रियली अ डार्लिंग. सो आई सेड यू हैव फेथ इन एंड विल डू इट. सो ही एग्रीड. ही जस्ट सो ब्यूटिफुल, यू नो देन आई माई डांसर्स फ्लोन डाउन फ्रॉम मुंबई, पूरा क्रू मेरा बॉम्बे से वहाँ पर पहुँचा, कॉस्ट्यूम्स बन बन के रात रात को आ रहे थे ना, तो एवरीबडी वॉन्टेड अ डिफरेंट लुक. सेट तो हमने काशी के सेट पे ही किया एंड देन आई वॉन्टेड द बुजी कार, यू नो आई वॉन्टेड दिलजीत टू स्टैंड ऑन द बुजी कार एंड सिंग, और प्रभास को सिर्फ बैठ के आई सेड यू जस्ट गिव मी स्वैग इन द कार. एंड बट द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट ऑफ द सॉन्ग वॉज कि जब हमने पूरा गाना सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया और अभी सिर्फ सरदार वाला पोर्शन था, तो मैंने दोनों को भेज दिया चेंज एंड कम बैक. वी वर वेटिंग एंड प्रभास
एंट्री हुआ सेट पे, जब प्रभास एंट्री हुआ तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट सॉन्ग कि मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा. आई थिंक उलाला वाज द लास्ट एंड आफ्टर दैट दिस वाज बिकॉज एवरी स्पॉट बॉय, एवरी प्रोडक्शन गाय, एवरी कॉस्ट्यूमर फ्रॉम द कोरियोग्राफर टू द प्रोडक्शन टीम टू डायरेक्शन टीम, वी ऑल स्क्रीम्ड क्योंकि प्रभास जो ग्लासेस पहन के जो सेट पे आया है, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज व्हेन आई सॉ प्रभास एंड दिलजीत टुगेदर आई सेड ओह माय गॉड इज दिस रियली हैपनिंग बिकॉज दैट वाज फर्स्ट इमेज विच केम इन माई माइंड एंड आई टू कन्विंस एवरीबडी राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी कि लेट्स डू दिस एंड व्हेन एवरीबडी एग्रीड एंड दिस वाज हैपनिंग देन आई सेड मैं वैसे सेट्स पे फोटो नहीं लेती हूँ बट आई वांट अ पिक्चर विद बोथ ऑफ यू बिकॉज आई थिंक दिस इज अ हिस्ट्री विच इज मेड बट वाइल वी हैड बोथ ऑफ देम वॉक शॉट जो था ट्रस्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऐसा गाना शूट कर रही हूँ और मैं काउंटिंग भूल गई हूँ. हम काउंटिंग नहीं दे रहे थे, हम चीखे मार रहे थे. द होल सेट वॉज स्क्रीमिंग व्हेन दे बोथ वॉक्ड. आई थिंक दैट इज द मैजिक विच ऑल्सो केम आउट इन द सॉन्ग वेयर पीपल वेर फ्रीकिंग आउट व्हेन दे सॉ प्रभास एंड दिलजीत टुगेदर. Working style of mine? Working style of Vidya Balan. For Vidya Balan? Vidya is like a... Achha, see, that's the secret between me and Vidya. Kyunki main uske lucky mascot choreographer hoon. Aur wo jo gaane mere saath karti hai, wo gaana hit hota. So, I think she knows it very well and I know it very well. I think as I also have been a very strict teacher to her. I was very strict with her on Bulbulaiya. उलाला में तो हमने बहुत मस्ती में यू नो किया एंड शी हैड फेथ इन मी बिकॉज द काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स आई ब्रॉट इट आउट. आई सेड वी विल वेयर दिस. इन स्पाइट ऑफ यू नो व्हेन शी वाज नॉट कंफर्टेबल शी सेड ओके एंड शी डिड इट बिकॉज शी हैड द ट्रस्ट इन मी. बट यस आई थिंक आई वॉज वेरी हार्श ऑन विद्या एट मेनी टाइम्स बट जब गाना आ जाता है ना और जब गाना हिट हो जाता है ना तो आई थिंक एवरीबडी फॉरगिव्स यू. Yeah, and I'm sure, I mean, but Vidya had tears in her eyes, you know, she had swollen knees, swollen pair, but I told her ki, ye gana chale na chale, iska mazaak nahi hona chahiye. It should go as a normal gana chalega, theek hai, but mazaak nahi hona chahiye. Us tarah ka effort humne us gaane mein dala, us tarah ke daate maine usko lagai hai. But it was very nice, and I'm very happy because, you know, I hear her, I heard some of her interviews, where she tells that Pony Verma made me do that and you know I message her that I remember ki maine usko kabhi itne daante hai but she still remembers it. That's very sweet of her but hopefully ek triple magic karenge saath mein main aur kya. Aapne abhi bola ki aapko mazak nahi chahiye gaane ka but aisa to ho nahi sakta ki negative comments kahi aaye hain to how do you handle criticism now? Well, we accept it. I've worked for so many years now aur पहले के टाइम पे ये ऑनलाइन नहीं था यू नो कि आपको इंस्टेंट नहीं पता चलता था किसको आपका काम पसंद नहीं आया. अब आपको मुझसे खुन्नस भी नहीं होगी ना आपको किसी और से खुन्नस है. आपको मुझ पे निकालना है तो आप मेरे पेज पे आके लिख दोगे. सो आई थिंक वी शुड नॉट माइंड एंड मैटर. आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं है ना. तो मतलब यू शुड जस्ट आई थिंक ऑनेस्टी टू योर वर्क. जब आपको पता है कि आपने आपका 100% आपके काम में डाला है अब ये काम दिखे गा तो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत और नहीं दिखे तो मतलब आपकी किस्मत ही थी आपने मेहनत की बट नहीं हुआ. सो आई थिंक वी शुड जस्ट लेट इट गो और लाइफ को इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए. वेल आई एम डूइंग टू फिल्म्स तेलुगु फिल्म्स एज ऑफ नाउ. सो नेक्स्ट मंथ आई बी शूटिंग दैट फिल्म विद सिद्धू जोनाल गड्डा. एक ही इज़ द एक्टर ऑफ डीजे तेलुगु. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म बीन डायरेक्टेड बाई बोमरेलू भास्कर. ये बहुत सारे फेमस तेलुगु डायरेक्टर्स हैं. ये सब सुनना जरूरी है क्योंकि अभी हम कल्मिनेशन हो गए हैं. अब हम नॉर्थ साउथ इज़ वन. सो या आई एम डूइंग दिस टू फिल्म्स राइट नाउ. थैंक यू.